सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि जिससे आपने अगर पहले कभी नहीं भी बनाया होगा दही बड़ा, तो आपके दही बड़े बहुत ही परफेक्टली तैयार होंगे। तो बीच बीच में मैंने जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करके अगर अपनी दही बड़े बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से तैयार होंगे, ये गारंटी है। इसके लिए वीडियो पूरी देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। तो मैंने एक तरह की ही रेसिपी में दो तरीके के दही बड़े शेयर किए हैं आपसे, एक स्टफ्ड है और दूसरे जो प्लेन बनते हैं वो हैं। तो आप इन्हें देखिए, ज़रूर पूरी वीडियो देखिए और बनाइए। उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। और हाँ, जो बगल में एक घंटी बनी रहती है उसको प्रेस करके ब्लैक कलर कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी रेसिपी अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरी रेसिपी आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए, ये आधे किलो ये उड़द की दाल ली है, इस तरह से धुली हुई उड़द आती है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल, और इसको भिगो लेते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। तो फिर 4 से 5 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए, मैंने पानी को छान दिया और फिर से एक बार साफ पानी से धुल लिया है इसे। तो ये फूल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल भीगे हुए ये उड़द की दाल है। तो इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो आधा मूंग और आधा उड़द की दाल से भी ये बना सकते हैं। और अभी ये बड़े चम्मच से मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच पानी भी डाल दिया इसमें ग्राइंड करने के लिए। तो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ये पानी भी ना डालें और बहुत ज़्यादा इसका टाइट भी इसका बैटर ना तैयार करें। तो इस तरह से कुछ देखिए, और ये सूजी की तरह से इसमें एक फील आ रहा है इसको इस तरह से छूने पे, इतना ही महीन हमें इसे तैयार करना है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक इस तरह से बड़े परात में इसको, क्योंकि हमें अभी इसे फेंटना है। और जो सेकंड बैच है उसे भी इस तरह से फेंट लेते हैं, पीस लेते हैं सॉरी। तो इस तरह से कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये बिल्कुल जैसे सूजी रवा होती है उस तरह से छूने में लगेगा। और इधर मैंने घर पे ही दही जमा के तैयार करी है, तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं हम। तो इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए बिल्कुल चिकना और स्मूथ कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी लगे दही तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही रखी है दही को, इतना ही गाढ़ा मुझे चाहिए। और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं ये, और ये पिसी हुई शक्कर है इसे भी डाल देते हैं। तो दही को टेस्ट कर लें, दही मीठी है तो शक्कर उस हिसाब से थोड़ा कम डालें। तो हमारे यहाँ दही बड़ों को थोड़ा मीठा ही खाते हैं, तो हमारे यहाँ शक्कर जो है वो थोड़ी अच्छे क्वांटिटी में डालते हैं। तो आप लोग जैसा खट्टा मीठा पसंद करते हो ये अपने टेस्ट पे के हिसाब से आप लें। तो मैंने थोड़ी सी शक्कर और काला नमक और डाला इसमें, इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने जो पिसी हुई दाल है उसकी तरफ। तो यहाँ पे इसकी फिटाई जो है बहुत अच्छे से करते हैं। दाल जितनी अच्छी फिटी रहेगी उतने ही ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे, बड़े हमारे तैयार होंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरह से फेंट लेते हैं। और दाल अच्छी तरह से फिटी है कि नहीं ये चेक करते हैं हम एक पानी के कटोरे में पानी लेके उसमें एक छोटा सा ये दाल ये बड़े की शेप में डालते हैं। तो देखिए तुरंत ये ऊपर आ गया, तैरने लगा है, ये देख सकते हैं ऊपर आके तैर जा रहा है। ये दाल हमारा फिट के तैयार है। और अभी एक काम और करते हैं, एक बड़े इस तरह से बाउल में ये हल्का गुनगुना पानी लेके और आधा टीस्पून इसमें हींग का पानी हींग डालते हैं और मिला लेते हैं। और ये देखिए मैंने कोई भी शेप नहीं दिया है, बिल्कुल छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ ली हैं तेल गरम करके, मीडियम फ्लेम पे है तेल। तो ये छोटी छोटी बड़ियाँ इस तरह से तोड़ ली हैं। तो हम आपको अभी स्टफ भी करके दिखाएंगे और चिकना शेप भी बना के दिखाएंगे। पर ये टोटल बिल्कुल लगता है एक ही तरह से है, आप उसको शेप दें या इस तरह से बढ़िया तोड़ें। तो बढ़िया हमारी तैयार हो गई हैं। और इधर हींग के पानी को थोड़ा सा मिक्स करके
और ये जो तली हुई हमारी फ्राई की हुई ये बड़े हैं इसी में डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए इसमें रहने देते हैं इस तरह से गरम इस गुनगुने पानी में, हींग के पानी में। और अभी हाथ को फिर से वापस गीला करके और ये देखिए इस तरह से चिकने इस तरह से उसके दाल को चिकना चिकना बना लेते हैं। और इसमें आप चाहे तो बीच में उंगली से ऐसे छेद कर दें थोड़ा सा फ्लैट करके, तो आपके जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बड़े होते हैं वो शेप भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए ये बड़ियाँ मेरी जो भी आड़ी तिरछी थी इनको पानी से निचोड़ के डालना है, तो हम शेप जो है वो अपना पसंद का ऐसे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल बॉल की तरह से ये बन जा रही हैं। तो फिर फालतू में एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना जब बाद में हो जाता। और अभी यहाँ पे देखिए चिरौंजी और ये ग्रेटेड कोकोनट और किशमिश मैंने लिया है, और गीले हाथ पे इस तरह से दाल की जो पिसी हुई पीठी है उसको ले लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं, बीच में हल्का सा इसे गहरा कर देते हैं, और जो स्टफिंग है उसे रख लेते हैं। यहाँ पे स्टफिंग आप अपने पसंद से रख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग हरी मिर्ची और अदरक भी डाल देते हैं इसमें, पर यहाँ मैंने नारियल किशमिश और चिरौंजी लिया है। तो इस तरह से आप उसे चारों तरफ से उठा के उसको बंद कर लें, और यहाँ पे आप जो भी शेप दें इसे गुजिए का शेप दे सकते हैं, मैंने ऐसे नॉर्मल ऐसे फ्लैट से टिक्की बना ली है, या हार्ड शेप दें कोई भी शेप दे के इसे फ्राई कर लें। तो फिर वापस मैंने जो बड़े तले थे उसको पानी में डाला, और ये देखिए इस तरह से जो अभी टिक्की की शेप में फिल्ड करके बनाया था उसे भी डाल दिया। तो अभी यहाँ पे प्लेटिंग दिखाते हैं, तो स्टफ्ड बड़ों की प्लेटिंग अलग करते हैं और जो नॉर्मल प्लेन है उसे अलग रखते हैं। ये हमारे स्टफ्ड बड़े आ गए एक प्लेट में, इसे थोड़ी सी दही डाल देते हैं ऊपर से, और ये हमारी जो नॉर्मल प्लेन बड़े बनाए हैं मैंने वो ले लिए। तो आपने देखा सिंपल बड़ियाँ तोड़ के भी कैसे शेप मिल गया हमें वापस। तो और यहाँ मैंने ये इमली और सौंठ की चटनी ली है, मैंने काफ़ी पहले रेसिपी आप डाली थी ये वही चटनी है, इसको थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेट है इसको हमें अभी डाइल्यूट करना है। भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च और काला नमक, यह है काला नमक। तो इसके साथ अभी हम करते हैं सर्व। तो ये अभी भुना जीरा है वो डाल देते हैं, भुना जीरा पहले थोड़ा थोड़ा सा, और फिर ये चिल्ली पाउडर, और ये इमली की चटनी है। आप यहाँ पे हरी चटनी अगर पसंद है तो आप हरी चटनी भी आप डाल दें। इस तरह से इमली की चटनी और थोड़ा थोड़ा सा ये काला नमक ऊपर से डाल देते हैं। तो तैयार है हमारे माउथ मेल्टिंग सुपर टेस्टी सुपर स्पंजी दही बड़े। इस रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तुरंत करो। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।